Cadê? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और हम करने वाले हैं IBPS AFO 2021-22 का पेपर, जो आज लगभग 11 साढ़े 11 तक खत्म हुआ था। बनाने के अंदर काफी जोर आया क्योंकि लैंग्वेज नहीं मिल रही थी एग्जैक्ट, काफी ट्रिकी थी लैंग्वेज। पेपर वॉज क्वाइट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, है ना, मैंने वो पहले ही बोल दिया था, ईजी पेपर ये नहीं था। बट हाँ, मज़ा तो आपको आया ही होगा सभी को, क्योंकि पढ़ के गए होंगे तो फिर अच्छा लगा होगा। बस एक चीज करिएगा, एक क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर कट आउट मेरे से मत पूछिएगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल देता हूँ, कट आउट जो कि 20 से 45 नंबर के बीच होगी। अब इसमें से कितनी होगी मैं प्रिडिक्शन करूंगा नहीं, 20 से कम जाएगी नहीं, 45 से ऊपर जाएगी नहीं, 20 से 45 जितनी होनी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ अगर आप बोलेंगे तो पेपर का लेवल जो है ना, 2018 वाला जो पेपर था, मतलब 2018 17 और 16 तो नहीं कहूंगा, 17 18 वाला जो पेपर, ये 2 साल बहुत अच्छा लेवल था पेपर का। फिर इजी आया कंपैरेटिवली, जहां पे पोमोग्रेनेट है, राइस है, उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया, तो उस लेवल का नहीं था ये पेपर, है ना। ये अच्छे खासे लेवल का पेपर था, सारे के सारे सारे क्वेश्चन 53 मैंने यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं जिसकी लैंग्वेज तो नहीं मिली, बट बता दूंगा टोटल 57 क्वेश्चन मेरे पास हैं आउट ऑफ 60। मैंने अभी अभी टेलीग्राम पे पोल भी डलवा दिए सारे के सारे, वहां पे भी आंसर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल आप लोग जानते हैं, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नेम से है ना। एक बात स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो जो पेपर दे के आई है बट अपने आंसर वेरीफाई करना चाहती है, दूसरी कैटेगरी वो है जो अगले साल की तैयारी करना चाहती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए आपके पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कैसे? जीवीए से क्वेश्चन पूछा गया, कुर्ग जो 2019-20 के अंदर जीआई टैग मिला था कर्नाटका से, उस कॉफी को, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे ऐसा लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मैं आगे दिखाऊंगा विषय के, 3 से 4 क्वेश्चन वो है जो आप अपने डेली के प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे आंसर कर सकते थे। 3 से 4 वो मैं दिखा दूंगा आपको आगे आके, और 3 से 4 क्वेश्चन का ही सारा गेम है ना। सिलेक्शन होना और ना होना ये तो एक एक नंबर पे रुक जाता है, एक एक नंबर पे हो जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन थे जो आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से कर सकते हैं। चलिए, सो अभी स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को, और फटाफट से मैं आंसर बताऊंगा और पूरे क्वेश्चन का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है बाद में दे दूंगा मैं। फिलहाल आंसर बता रहा हूं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, क्यों, किस सोर्स से आया, कहां से आया, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया पेपर ने, वो सब बातें डिस्कस करूंगा तो टाइम जाएगा। अभी के लिए आंसर बता रहा हूं, कहीं पे कोई करेक्शन हो, लगे कि आंसर गलत है, कुछ हो रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं जब पीडीएफ डालूंगा, तो अभी क्वेश्चन 57 है इसके अंदर, मैं पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आंसर भी सारे के सारे कर दिए जाए अगर मुझे लैंग्वेज मिल गई तो। ठीक है, ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, आप भी आंसर करते जाइए बट जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। बोला गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन वॉटर कंटेंट इन मिल्क। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, या फिर आपका कैथ्रोमीटर और लैक्टोस्कोप, कौन सा है जिसको यूज करते हैं वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, राइट आंसर यहां पे लैक्टोमीटर आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाश्चराइजेशन इन मिल्क। देखिए यहां पे थोड़ा सा आंसर आपको समझना पड़ेगा। पाश्चराइजेशन की बात करें तो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जब आंसर की बात करूंगा, सेकंड ऑप्शन कहता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बाकी तो नहीं आएंगे। टू चेक द अडल्ट्रेशन द मिल्क, टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ मिल्क, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। हमेशा प्रॉब्लम यही होती है कि आंसर्स की एग्जैक्ट लैंग्वेज, ऑप्शंस की लैंग्वेज नहीं होती है, तो ऑप्शंस के साथ जाऊंगा ना। तो जिस तरह से यहां पे बोला गया है, वैसे अगर बात करूं आंसर की, तो इसका आंसर ए के साथ जाना चाहिए। मैंने यहां पे ए मार्क नहीं, मैंने यहां पे बी मार्क किया है। चेक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकना, क्योंकि पाश्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है कि स्टेरिलाइजेशन खत्म करता है बैक्टीरिया को, जबकि पाश्चराइजेशन ग्रोथ को रोकता है, उसके बाद दूध फिर से खराब हो जाता है। लेकिन ए ऑप्शन की लैंग्वेज होप सो ऐसी नहीं थी, वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफर कर रही थी, और वो स्लाइटली जो डिफर कर रही थी उस हिसाब से आंसर जो है वो ए आएगा। जो लोग पेपर दे के आया भाई साहब, अपना ए आंसर कंसीडर कर सकते हैं। जो नहीं दे के आया, आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया, पाश्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। सारा गेम पेपर की लैंग्वेज पे था, है ना, आंसर की पे गेम नहीं है, पेपर की लैंग्वेज पे सारा का सारा गेम था।
ए वाला स्टेरलाइजेशन, मैंने आपको दोनों डिफरेंस बता दिया सर। देखिए आंसर की तो आएगी नहीं इसकी, अल्टीमेटली आईबीपीएस देता नहीं है, आएगा तो सीधा रिजल्ट ही। अब अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला बिकॉज एक बच्चे ने मुझे ऑप्शन भेजा है ए वाला, तो वो स्लाइटली डिफर कर रहा था, तो वो मुझे देख के लगा कि आंसर ए ही आएगा अगर वो ऑप्शन था तो, अगर ये था तो फिर ऐसे आ जाएगा। अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर कैन बी ए और बी, बाकी मुझे और करेक्शन आपकी साइड से मिल जाएंगे तो मैं करके फिर पीडीएफ जो कल डालूंगा उसमें एकदम करेक्ट कर दूंगा। आगे चलता हूं। पूसा नन्ना वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप बाय, जो पूसा नन्ना वैरायटी है पपाया की वो किससे डेवलप हुई है, म्यूटेशन से, सिलेक्शन से, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दिस। क्या लगता है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स आप लोग ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, म्यूटेशन विल बी द राइट आंसर, ए आ जाएगा। आगे चलता हूं। When plant is propagated by small tissue और part of plant is termed as, भाई small tissue से कर दिया या उसके part से कर दिया तो ये तो advanced है ना आपका, है ना, advanced propagation है। और वो advanced propagation जो उसे हम क्या बोलते हैं, definitely आप सब लोग correct बोल रहे हैं, it will be micro propagation। नेक्स्ट बोला कुर्ग, यहाँ पे एक्चुअली कुर्ग नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो कुर्ग से लिखा हुआ था, ये उस कुर्ग का जिक्र कर रहा था जो 2019 के अंदर कर्नाटका से कॉफी को जीआई टैग मिला था। ये जनरल नॉलेज से आंसर किया जा सकता था। यहाँ पे जो राइट आंसर आया कुर्ग की बात करेंगे, कुर्ग जो है ये कमर्शियल वेराइटी है किसकी, यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा इट विल बी डी कॉफी, यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। आगे चलता हूं। आम्रपाली ऑफ मैंगो, आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज मेड बाय द क्रॉस ऑफ, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई गलती मतलब इसमें किसी ने गलत नहीं किया होगा, सब लोग जानते हैं दशहरी और नीलम का ये क्रॉस है। फिर बोला गया था टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पाश्चराइजेशन इन मिल्क, स्लाइटली लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन हाँ यही पूछा गया था मिल्क को प्रॉपर तरीके से हीट किया गया है कि नहीं, उसमें पाश्चराइजेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसके लिए एल्केलाइन फॉस्फेट टेस्ट किया जाता है, तो राइट आंसर इसका एल्केलाइन टेस्ट आ जाएगा। आगे चलता हूं। Which among the following is a drought breed of cattle where cows are less milker but bulls are best for the cart and field purpose? भाई dual purpose की बात कर रहा था, dual purpose के अंदर क्या लगता है आप? इसने बोला less, नहीं नहीं ठीक है आंसर यहाँ पे अलग जाएगा, dual नहीं, इसने बोला जहां पे cows क्या है वो तो less milker है but bulls are best for the cart and field purpose, है ना, तो आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, ये तो मतलब ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या आएगा, ए या फिर बी? ऑफ कोर्स सही बोल रहे हैं सारे लोग, बी के साथ हमको जाना पड़ेगा, कृष्णा वैली के साथ जाना पड़ेगा। राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर कृष्णा वैली आ जाएगा। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। पोल्स भी अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं इसको टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री क्वेश्चन फ्री टेस्ट के फॉर्म में भी डालूंगा ताकि बच्चे उसे अटेम्प्ट कर सके। बाकी मैंने कुछ कुछ मेरे प्रीवियस पोल्स भी शेयर किए थे जो हमने चैनल के अंदर डाले हुए, मैंने 18 पोल शेयर किए, आप उसे भी चेक कर सकते हो। वो 18 पोल्स वो थे जो हमने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, और 18 पोल्स वो है जो क्वेश्चन आज पेपर में आए हैं, आप डेट चेक कर सकते हैं। मैंने आज कोई पोल नहीं डाला, आज तो सिर्फ क्वेश्चन डाले जो पेपर में, बट उससे पहले 18 पोल आपने देखे होंगे, वो सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुर्ग भी उसी में डाला हुआ था हमने, मैंने शेयर किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं जो कॉफी की वैरायटी वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया एन एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड, प्राइमरी तो करी ही नहीं है, एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस्ड टू रो जोन और सीड बेड ओनली। एग्जैक्ट सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी गई थी ये, चाहे तो ऑनलाइन जाके इसको टाइप करिएगा, चेक कर लीजिएगा, जीरो टिलेज की डेफिनेशन यहां पे लिखी गई थी। एग्री एग्जामर कहते हैं कि बट वो 2 साल में डाले गए। एग्री एग्जामर जी ये वाली बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, मेरे को पता था ऐसा कोई लिखेगा। मैं आपको बता दूं 18 पोल में से सर 13 वो थे जो पिछले 1 ईयर के अंदर डाले गए, हाँ 1 साल से पहले डाले गए 5 पोल। अब 5 माइनस कीजिए सर, कोई चक्कर वाली बात नहीं, अगर 13 से 15 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया सर, 25% हमने कवर कर दिया फ्री कंटेंट में से, पेड का तो मैं क्या ही नहीं रहा, है ना, वो भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर जीरो टिलेज है, कोई इसमें डाउट नहीं है, रो जोन के अंदर या फिर रिज टिलेज स्ट्रिप कुछ भी करेंगे नहीं आएगा, कन्फर्म इसका आंसर जीरो टिलेज आएगा। नेट पे चेक कीजिएगा, एज इट इज आपको डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी क्रिकेट बॉल और जो कली पट्टी वैरायटी है ये किस क्रॉप की है, ये सब लोग जानते हैं, यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सपोटा विल बी द राइट आंसर। सपोटा की वैरायटी है क्रिकेट बॉल, तो सबने पहले से पढ़ा होगा। विच सोइल एम्ब्लुरेंट्स इज यूज्ड इन सोडिक सोइल रिक्लेमेशन व्हिच इज चीपर एंड इजीली अवेलेबल,
यहाँ पे आंसर तो कई आ सकते थे, लेकिन इसे कंडीशन लगा दी थी कि जो इजीली अवेलेबल और सस्ता भी है ना। तो जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे राइट आंसर की, तो जिप्सम जो है ना ये अमोनियम सल्फेट से कंपैरेटिवली कम रेट पे मार्केट में मिल जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आ जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा, इट विल बी जिप्सम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। आसान क्वेश्चन था ये, है ना। डिस्क हैरो की बात करेंगे, सेकेंडरी है, प्लाउ प्राइमरी है, क्लोड क्रशर सेकेंडरी में जाएगा, लैंड लेवल सेकेंडरी में, लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों काम करता है, तो रोटावेटर यहां पे राइट आंसर आ जाएगा। रोग फोस्फेट इज अप्लाइड इन, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। रोग फोस्फेट किस में पाएगा, सेलाइन, एल्केलाइन, न्यूट्रल सोयल में, एसिडिक सोयल में, या फिर नन ऑफ दीज। रोग फोस्फेट को किस में अप्लाई किया जाता है, ए बी सी डी। ठीक है, ओके। सो बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, रॉक फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, पीएच को बढ़ाता है, पीएच को बढ़ाता है तो किसके अंदर यूज करोगे, एसिडिक सोयल के अंदर यूज करोगे। मुगा सिल्क इज रियर्ड ऑन, मुगा सिल्क का काफी जिक्र था, कहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ट्रेजर कहां, ये वो काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, होप सो ये भी आप पढ़ के गए होंगे। मुगा सिल्क की बात करेंगे तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। रियर करते हैं इसको, 100 मिनट सवालों पे इसको रियर किया जाता है। द ट्री विच प्रोड्यूसेस सिल्क कॉटन एंड कपोक, सिल्क कॉटन एंड कपोक को प्रोड्यूस करता है ट्री, यहां पे उनके साइंटिफिक नेम दिए गए थे, और जो राइट आंसर आएगा यहां पे वो क्या आ जाएगा, सीबा पेंटेंड्रा, डी विल बी द राइट आंसर, डी यहां पे राइट आंसर आएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला लीफ कर्ल ऑफ चिली, यहां पे मुझे रुकना पड़ेगा भाई साहब। लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, होपर आएगा नहीं, माइट्स आएगा नहीं, एफिड आएगा नहीं, बट थ्रिप्स आएगा कि व्हाइट फ्लाई आएगा। अब बता दूं मैं, आईबीपीएस एएफओ का ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, ये मिस्ट्री बन जाएगा सर। जोर लगा लीजिएगा आंसर की, आईबीपीएस रिलीज नहीं करेगा, और इसके अंदर बस यूट्यूब पे लड़ाइयां चलेंगी, वो बोलेगा ए और वो बोलेगा बी, है ना। आपको बता दूं, जीएस रेड्डी की बुक है अप्लाइड एंटोमोलॉजी, बुक क्लियरली लिखती है अप्लाइड एंटोमोलॉजी, स्टैंडर्ड बुक है अपने आप में, उसने आंसर दिया हुआ है थ्रिप्स, और सारे के सारे ऑनलाइन सोर्स बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। अब मैंने यहां पे जो आंसर किया व्हाइट फ्लाई क्यों किया है, ताकि मुझे झगड़े में ना पढ़ना पड़े, मैं पढ़ना नहीं चाहता, बहुत सारे मैसेज आएंगे ये वो, नहीं मैं पहले से जवाब देता हूं भाई साहब, आंसर ए और बी में से आएगा, और ये कोई कंफर्म नहीं कर पाएगा, देख लेना। क्यों, मोस्टली जो व्हाइट, मोस्टली जो लीफ कर्ल है वो किससे व्हाइट फ्लाई से हो रहा है, बट अगर स्पेशली आप इसके केस में जाएंगे ना, आंसर शुड बी थ्रिप्स। मैंने भी किया बस इसीलिए कि बहुत ज्यादा मैसेज मेरे पास ना आए, बट मैं क्लियरली बता रहा हूं सर, चिली वाले केस में ऐसा, मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूं, एक प्रोफेसर से उनको भी बोला, मैंने एंटो के ही है, मैंने एंटो की 3 बुक से भी कंफर्म कर लिया, तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो ए आना चाहिए, बट ऑनलाइन सोर्स को आईबीपीएस ने फॉलो किया होगा तो आईबीपीएस बी आंसर मानेगा, ये मिस्ट्री रहेगी सर, है ना। अब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, बिल्कुल, है ना। अभिषेक कनौजियन जी ने माथुरन उपाध्याय की जो बुक है उसके अंदर भी थ्रिप्स ही दिया हुआ है, देखिए 2 बुक से मैंने कंफर्म किया, 1 उन्होंने बता दिया, बुक थ्रिप्स लिख रही है, ऑनलाइन सोर्स व्हाइट फ्लाई लिख रहे हैं, गलत आप किसी को नहीं बोल पाएंगे, पेपर क्या मानेगा ये चीज पता नहीं चलेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने ए या बी में से जो भी किया अपने मन को तसल्ली दीजिए, बिकॉज पॉजिटिव रहकर इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जो आपका आंसर है मान के चलिए वही सही है, बाकी रिजल्ट आने पे देखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, विच टेक्निक डू नॉट ट्रांसफर जीन डायरेक्टली, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो जो यहाँ पे एक्सप्लांट कल्चर एंड ट्रांसफर था वो क्या था, अपने आप में जीन को डायरेक्टली ट्रांसप्लांट नहीं करता, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर विल बी ए। आगे आसान क्वेश्चन था, बोला गया गुआवा फ्लैश जो है पिंक स्पॉटेड वैरायटी व्हिच इज आल्सो नोन एज सरदार, तो जैसे सरदार लिख दिया था आपको पता ही है ना, सरदार का नाम आते ही हाईलाइट होगा कि सरदार आ गया, तो फिर क्या आ गया बताइए, L49 अलाबा सफेदा, अलाबा सुरखा सफेदा, या फिर नन ऑफ दीज, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सरदार नाम आ गया तो फिर भाई सब सरदार आ गया, तो L49 आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया विच गोट ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, लीजिए बस यही पे पता चल गया, कौन सी गोट ब्रीड स्विट्जरलैंड से, और उसको मिल्क क्वीन भी कहा जाता है, वर्ल्ड की रानी भी है स्विट्जरलैंड से, खैर रानी तो स्विट्जरलैंड से ही होगी, राजस्थान से तो नहीं,
ऐसा नहीं बोलूंगा सॉरी मतलब स्विट्जरलैंड थोड़ा ठंडा एरिया, राजस्थान थोड़ा गर्म है, तो मैं ऐसे बोलने वाला था कि रानी तो ठंडे से होगी, राजस्थान के साथ मत जाइए, मैं राजस्थान से, भाई साहब गुस्सा मत होइएगा। सो यहाँ पे राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर विल बी सानेर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, शुगर केन एफआरपी, मैंने क्वेश्चन दिखाया था सर, है ना, एग्री एग्जामर जी आपने चेक किया होगा, हमने पोल में डाला हुआ था सर, मतलब और भी डाले हुए थे, बट आप कह रहे हैं 2 साल पहले के थे, तो ये 13 क्वेश्चन 1 साल पहले के थे, तो ये भी हमने रिसेंटली डाला था, जो हमारे अभी लास्ट में 5-7 दिनों में डाला हुआ था। इसमें बोला शुगर केन का एफआरपी जो है वो कितना है, सो राइट आंसर यहाँ पे एफआरपी का कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स आप सारे लोग ठीक ही बोल रहे हैं, जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो 290 विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया, इफ एन इरीगेशन वॉटर सोर्स हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना, 20, 10 और 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है उसका, क्या उसके अंदर कंसंट्रेशन, देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एसएआर का फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट करना, जब मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा वहां पे सिखा दूंगा, इसका आंसर 6.67 आएगा, बट हाँ मोस्टली लोगों ने आंसर अब तो कर दिया है चैट में, तब नहीं किया होगा, उसका रीजन ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा मत, जो लोग पेपर देके आए यार गलत हो रहा है गलत हो रहा है, अगर आपने अपने अटेम्प्ट्स को 40 के आसपास मेंटेन रखा है, करने वाले लोगों ने 50 भी करा होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं टॉपर्स होंगे वो, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट की बात करूं, एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, 40 के आसपास अटेम्प्ट अगर आप देके आए ना, तो आपका नंबर अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि अगर आपने 50 के आसपास कर दिया है तो रगड़े जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, तो 15 गलत तो होंगे ही, 4 सही को लेके डूबेंगे, वो काम खराब हो सकता है, अदरवाइज 40-42 के आसपास वाला बड़े आराम से इंटरव्यू की तैयारी करे, 50 वाला भी करे अगर उसने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वो लगा था सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन हिली एंड माउंटेन एरिया, अब यहां पे फिर से थोड़ा सा बवाल होने वाला है, बिकॉज यहां पे आंसर क्या बोलेंगे, आंसर ग्रेडेड बर्निंग को किया जाएगा, बिकॉज जो बच्चा ग्रेडेड बर्निंग करके आया ना वो मानेगा नहीं, बेंच टेरेस में कुछ लोग करके आए होंगे, फिर मैं जब बोल दूंगा कि राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा कंटूअर बर्निंग, तो जिसने जो किया है उसको सही मानेगा सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे जब तक वो स्लोप को बढ़ाए नहीं, हिल्स में स्लोप ज्यादा होती है, आप बोलेंगे ऐसा किसने कहा, हिल में स्लोप क्यों ज्यादा होती है, हाँ हिल में होती है, बट इज इट कंपलसरी कि हिल में हमेशा स्लोप ज्यादा होती है, नहीं यार ये टेरेस है कंटूअर है ये सब तो हिल में किया जाता है, तो इसने बोला था सर हिल एंड वॉटर कंजर्वेशन मेथड, तो यहां पे आंसर कंटूअर बंडिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी कुछ और हो सकता है, कोई गलत मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई और हो सकता है, बिकॉज मैं आप समझ सकते हैं यार, मेरे साथ मेन प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे मैसेज कॉल्स आते हैं, तो अल्टीमेटली मेरे एम्प्लॉय मुझे आके बोलता है कि सर इस बात पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं बस कॉल से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो पर्सन हो ही नहीं जो इस बात को 100% अप्रूव कर पाए कि यही आंसर आएगा, तो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा हो ही आएगा तो आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ, अपने नॉलेज के हिसाब से जितना मुझे पता है आंसर विल बी ए, यहाँ पे कंटूर बंडिंग आ गया। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट बोला IRRI एंड इट्स नेशनल रिसर्च पार्टनर्स हैव डेवलप्ड गोल्डन राइट्स टू कॉम्प्लीमेंट एंड एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी है इसके लिए उसके अंदर डाल दिया, किसको डाला, राइट आंसर आपको क्या लगता है यहां पे राइट आंसर क्या आएगा, सो राइट आंसर की जब बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर यहां पे आएगा विटामिन ए, ए विल बी द राइट आंसर। ओके सो यहां पे विटामिन ए आ गया राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला कर्ल्ड टोई पैरालिसिस जो है चिकन के अंदर वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, अशोक जी कहते हैं नो सर लो रेनफॉल एरिया में कंटूअर होगा हाई रेनफॉल, यार देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अशोक जी, मैंने तो कह दिया है कोई चक्कर नहीं है, सबसे मेन तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है, लेकिन बात वही है कि एनालिसिस देने का रीजन आप बच्चों का प्यार है जो हमें आगे तक लेके आते हैं, तो ये काम हमें करना पड़ता है, बिकॉज आप लोग जो डिमांड करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, तो पेपर सर सारा का सारा 15-20 क्वेश्चन वो छोड़ दो ना, तो 40 क्वेश्चन वो थे जो सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड थे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हुई आंसर अलग हो गया, यहाँ पे राइट आंसर सब लोग सही बता रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबने सही किया, विटामिन B2 आ जाएगा। आगे चलता है, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट फॉर मीट एंड मिल्क, डुअल पर्पस की बात करेंगे, देखो ब्लैक बंगाल बीटल मारवाड़ी सानेन लिखा गया था, ऑप्शन सानेन नहीं था शायद कोई और हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन में दिए गए थे, तो राइट आंसर जो आएगा यहाँ पे राइट आंसर ब्लैक बंगाल या फिर मारवाड़ी नहीं, राइट आंसर बीटल आएगा सर, कुछ लोग मारवाड़ी टिक करके आए होंगे जो नॉर्दर्न इंडिया से और ये ब्रीड पढ़ी होगी, नहीं सर मारवाड़ी नहीं, यहाँ पे बीटल आएगा और विदाउट एनी डाउट यहाँ पे बीटल आंसर आएगा।
आगे चलता है, एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम इन कैटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। सर काम खराब हो गया, ये जो लैंग्वेज है इसकी थोड़ी काम खराब, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूं कि यहां बोला एम्ब्रियो इज आउट है ना, तो ये अपने आप में यूट्रस की लैप्सिंग जब हो जाती है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो होता है उसका सिम्टम लिखा गया था यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे यही आएगा, लैप्सिंग ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना विल बी द राइट आंसर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी के साथ जा रही थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलता हूं, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ओकरा। एक बात बताऊं आपको, मुगल सिल्क से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर प्रीवियस जो भी एक साल के अंदर मुगल सिल्क से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ ओकरा से क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन मैंने देखा, तीन क्वेश्चन है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं लेकिन रिपीट तो किया, थोड़ा चेंज कर दिया, मुगल सिल्क कहां ज्यादा है क्या बोलते हैं ये नहीं पूछा, खाता क्या है वो पूछ लिया, यहां पे ओकरा के लिए उसने डिस्टेंस तो पूछा लेकिन फाउंडेशन सीड या किसी और का नहीं, किसका पूछ लिया आपका, सर्टिफाइड का, तो क्वेश्चन रिपीट किए हैं लेकिन उसने चेंज किए हैं, क्वेश्चन प्रीवियस प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से पांच क्रॉस क्वेश्चन बनाइए आपको डेफिनेटली सिलेक्शन में हेल्प करेगा। सर्टिफाइड सीड का पूछा गया था तो आंसर 400 नहीं आ सकता, आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 200। आगे चलता हूं, ACABC तो हमने YouTube पे भी डिस्कस किया था, ACABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट, तो इंप्लीमेंट तो ACABC को NABARD करता है लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो फिर ट्रेनिंग में राइट आंसर क्या आ जाता है, ट्रेनिंग की बात करेंगे तो मैनेज विल बी द राइट आंसर। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया नोरिंटेन इज अ सोर्स ऑफ, सब लोग जानते हैं भाई ड्वार्फिंग जीन है किसका, आपके वीट का, तो नोरिंटेन के लिए ड्वार्फ जीन इन वीट विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, बोला गया बेसिक कंपोनेंट, ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, एक बात बताओ यस और नो ईमानदारी से, मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जानते होंगे, क्या मैंने ऐसे कहा था कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला टॉपिक है उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी आएगी और कंफ्यूजिंग होगी, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करना, टॉपिक तो ये बेसिक सा ही है लेकिन ये लैंग्वेज में घुमाता है हर बार, बोलो क्लास में बोला था कि नहीं बोला था, है ना, तो देखिए इसने वही किया था, घुमाया था लैंग्वेज को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसने बोला बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वेजिटेटिव ग्रोथ, साथ में बोला स्केलेटल न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे होंगे ना पेपर के अंदर, अब तो आंसर करना आसान है बिकॉज यहां वहां हमने देख लिया है, लेकिन माइंड कंफ्यूज पक्का हो रहा होगा, यहां लग रहा होगा अच्छा ये आ गया, यहां तो नहीं नहीं आएगा, बोलो कंफ्यूज हो रहे थे ना पेपर देख के आए तो, हाँ ये टॉपिक ऐसा है यहां पे ये कंफ्यूज कर लेता है, अभी तो सोयल का विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट नहीं आया वरना वहां भी ये कंफ्यूज कर देता, बट अब आप कंफ्यूज नहीं है, राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, राइट आंसर विल बी ए नाइट्रोजन। आगे बोला गया बोरोन डेफिशिएंसी की बात करें तो बोरोन डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, तो बोरोन के लिए पॉसिबल है, आपका दिल कह रहा होगा सर ऑनियन भी तो होता है, आप सोचेंगे सर कॉलीफ्लावर भी तो होता है, होता होगा सर, जब ये सारे दिए गए हैं ना तो बोरोन की डेफिशिएंसी के लिए आपको मोस्टली लेना पड़ेगा, मेजरली जो होता है या फिर जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो लेना पड़ेगा, और मोस्ट सुटेबल के साथ जाएंगे तो यहां पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, सनफ्लावर। अगर आप ऑनियन करके आए हैं डाउट बताएगा सर ऑनियन कंफर्म गलत है, एक नंबर तो गया, साथ में 0.25 और लेके चला गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया इमैच्योर ग्रीन फ्रूट जो है वो टर्न हो जाते हैं किस में, एडेबल, बिकॉज इमैच्योर ग्रीन है वो खाने योग्य नहीं है लेकिन वो टर्न हुआ एडेबल हो गया, डिजायरेबल फ्लेवर उसके अंदर आ गया, क्वालिटी आ गई, कलर आ गया, पैलेटेबल है नेचर विद एथाइलिन ट्रीटमेंट, तो अल्टीमेटली ये यहां पे उसने डेफिनेशन ही लिखी थी राइपनिंग की, फ्रूट आपका पक गया है, राइपनिंग की डेफिनेशन उसने यहां पे लिख दी थी, तो राइट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, बी राइपनिंग विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया यूरिया बैग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 kg, सब लोग जानते हैं कि 5 किलो वेट इसका कम कर दिया गया है, नाउ इट इज 45 kg। फिश हैविंग लंग है ना, लंग एज लेब्रिंथ, इसके जो क्या है बोला फिश हैविंग लंग एज लेब्रिंथ, इसमें जो राइट आंसर आएगा डी, यहां पे जो है गुरामी जो है ये फिश का नाम है और ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हियर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया ऑयल कंटेंट ग्राउंड नट, कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये, ऑयल कंटेंट की बात करेंगे तो लगभग आपने 45 पढ़ा होगा, ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 44-45% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रोइंग प्लांट्स आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया, आपने प्लांट या ट्री तो लगा दिए लेकिन कहां पे, फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं, आउट फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया वेयर इट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर, जहां पे पेड़ थे नहीं, जंगल भी नहीं है वो, जंगल से दूर है, पेड़ वहां पे नहीं है, वहां तुमने लगाया, एंड पर्पस इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट इज नोन एज
कोई डाउट नहीं है, दूर दूर तक इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। अगर बोलो फार्म फॉरेस्ट्री आंसर आ ही नहीं सकता, बोलो भैया रिक्रिएशनल कैसे आएगा यार, है ना। ये तो बच्चों जिसने अगर रिक्रिएशनल कर दिया तो फिर आपने फॉरेस्ट्री का भी नहीं पढ़ा हुआ, रिक्रिएशनल बन ही नहीं सकता था, मिक्स फॉरेस्ट्री बन सकता था, बताता हूं कैसे। और एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगा। मिक्स फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपके जो घर है वहां आसपास कम्युनिटी के अंदर आप फॉरेस्ट लगाते हैं ना, मिक्स फॉरेस्ट्री में डाउट हो सकता है। लेकिन इसने बोला जहां ट्री नहीं है फॉरेस्ट भी नहीं है और ट्री बढ़ाने के पर्पज से आपने लगाया है, तो आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लैंग्वेज खुद बता रही है कि आंसर जो है वो क्या आएगा, वो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इसका आंसर आएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्या आ गया, प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म towards the sunlight or other direction towards the light is known as, सब लोग जानते हैं tropism का मतलब होता है movement, photo का मतलब होता है light, phototropism इसका right answer आ जाएगा। आगे बोला गया hair are imperfectly developed female unable to reproduce but possess all the material instinct in hair and also defense mechanism। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा, करेक्शन में कर दूंगा। बोला इंस्टिंक्ट इन हेयर और साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म भी है, उसे क्या बोले, क्वीन भी नहीं बोलेंगे, वर्कर, ड्रोन, सॉलिटरी या फिर नन ऑफ दीज, ए तो नहीं आएगा। बी सी और डी में से बताइए क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या आएगा। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं यहां पे, तो राइट आंसर क्या आएगा, आप लोग यहां पे मुझे बोल रहे हैं बी 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 बी, वर्कर बी सारे लोग बोल रहे हैं। आप अगर वर्कर बी बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, वर्कर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बोला गया टीएसएस फॉर शुगर केन राइपनिंग डिटर्मिनेशन, ये सब लोग जानते हैं 18 19 20 21 के आसपास है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। सो आंसर यहां पे जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 20। आगे चलता हूं, लोन्स अगेंस्ट प्लेज, सर इसमें क्या पढ़ना, ये तो यूट्यूब वीडियो देखना, हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, किया था YouTube पे किया था, आंसर आप लोगों को बताया था, जल्दी से मुझे बता दो। बोला लॉज अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ सब्जेक्ट टू लिमिट अप टू अगेंस्ट NWR, है ना। ये वेयर हाउस वाली रिसीट के अगेंस्ट मैंने बताया था कि वेयर हाउस की रिसीट जो है उस पर कितने का मिलेगा, तो राइट आंसर बता दो क्या आएगा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, सब लोग एक के साथ जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने पेपर में बी किया है तो बी गलत उत्तर है, यहां पे सही उत्तर जो आएगा इट विल बी 75 लाख। आगे बोला गया अक्योची डिजीज किसकी टॉक्सिसिटी से होती है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, H2S आंसर आ जाएगा। मेन रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, इस तरह सीड डोरमेंसी के रीजन में मेन वर्ड भी लिखा था, बिकॉज अगर डिस्टोर्टेड सीड कोट है ना वो पॉसिबल है ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वो डेड सीड हो जाएगा, डोरमेंट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन पॉसिबल है, अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेन रीजन नहीं है। फंगल ग्रोथ कर सकती है लेकिन मेन रीजन नहीं कह सकते, फिजिकल क्रैकिंग से डेड हो गया वो। लेकिन अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है ना, तो इमेच्योर एम्ब्रियो जो है वो रीजन बन जाएगा किसका, डोरमेंसी का। बोलेगा नहीं 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 अभी मैं मैच्योर नहीं हूं, थोड़ा सा वेट कर बाद में ग्रो करूंगा। आगे आता हूं, बोला गया विच इज यूज्ड इन रियर ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन पार्ट फॉर अटैचिंग कंबाइन हार्वेस्टर मूवर थ्रेशर एटसेट्रा टू ट्रैक्टर। इसकी लैंग्वेज में भी करेक्शन होगा मुझे पता है, देखना ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग भी लिखना शुरू कर देंगे सर ऐसे था हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जिस हिसाब से इसने बोला कुछ कुछ और वर्ड भी थे इस क्वेश्चन के अंदर थे ना, ये ऐसा ना कुछ कुछ अलग वर्ड भी थे, तो इसका जो आंसर आएगा ना सर, इसका आंसर पीटीओ आएगा, जितना वो बोल रहा था आंसर यहां पे पीटीओ आ जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। हाँ ट्रैक्टर पुली कुछ भी आप कह रहे होंगे, मैंने कहा थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर था क्योंकि मैंने जब तक बनाए तब तक मुझे मैसेज भी आ रहे थे, तो स्लाइटली डिफर कर रहा था, बट आंसर विल बी पीटीओ, कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पोटैटो ट्यूबर आर क्योर्ड एट कितने डिग्री फॉर 2 डेज एंड देन एट 7 डिग्री to 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 to 12 डेज एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नोट्स के अंदर सीधा सीधा एग्जैक्ट ये लाइन लिखी गई है, सो राइट आंसर जो आएगा ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलता हूं, 18 आएगा भाई, 37.5 नहीं आएगा, ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर वाली बुक में चेक कर लिए, पेज नंबर तो नहीं पता, मैं अभी देख रहा था, सही सही साफ साफ लिखा गया 18 डिग्री। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला क्या, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिशियल
Ministry of Statistics on January 29, 2021, what is the livestock sector contribution to overall GVA? Overall GVA के अंदर GVA बोले तो gross value added. Gross value added का मतलब क्या होता है? कितना value वो add कर रहे हैं? GDP नहीं, वो तो total produce कितना किया, लेकिन value कितना add किया वो GVA होता है. And यहाँ पे जो right answer लगा B मत बोलेगा please. दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी. 5.2 बोलेंगे तो जो राइट आंसर आएगा ये क्या आएगा, 5.1 ए विल बी द राइट आंसर. आगे चलते हैं. द स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड एग्रोनेट और एनी अदर विवन मटेरियल टू अलाउ रिक्वायर्ड सनलाइट मॉइस्चर एंड एयर टू पास थ्रू द गैप्स, है ना. कहता है मटेरियल है जिसके थ्रू पास कर रहा है. कौन पास कर रहा है? मॉइस्चर भी पास करने की बात कर रहा है यार, है ना. तो मॉइस्चर पास करने की बात कर दी, पोली हाउस आएगा नहीं, ग्रीन हाउस आएगा नहीं. तो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा, मॉइस्चर पास करेगा. तो राइट आंसर ए यानी कि शेड नेट के साथ आपको जाना पड़ेगा. आगे बोला गया एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड काउ एंड बफेलो फॉर फिफ्थ ऑफ प्रेगनेंसी हाउ मच कॉन्सेंट्रेट शुड बी गिवन. क्योंकि जब काउ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रेगनेंसी के इनिशियल टाइम में तो ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी का टाइम आता है उसके बाद पांचवें महीने के बाद उसे एक्स्ट्रा फीडिंग देना शुरू कर देते हैं. तो बोला कितना दिया जाएगा, 3 किलो, 1.5 किलो कॉन्सेंट्रेट या फिर 2.5, 1 या फिर 0.5, क्या लगता है? राइट आंसर बता दीजिए, ए बी सी डी या फिर ई. बिल्कुल है ना. लोग यहाँ पे सी आंसर, सी 1.5 कैसे लिखा भाई, बी 1.5 है ना, या तो सी 2.5 लिखो. जल्दी से लिखिए सारे लोगों के ए बी सी आंसर कर रहे हैं यार, अलग अलग आंसर चल रहे हैं. यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा इट विल बी बी 1.5 केजी. पढ़ लीजिएगा नोट्स में, 1.5 से स्टार्ट किया जाता है, बाद में 2 और 2.5 भी किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है 1.5. आगे चलता हूं. ट्रीटमेंट गिवन टू गोट फॉर ब्रूसेलियोसिस डिजीज है जी, है ना. इस डिजीज से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट क्या होता है? CuSO4 का सॉल्यूशन देते हैं, ड्रेंडिंग, कलिंग, कलिंग मतलब ट्रीटमेंट थोड़ी कहानी खत्म कर दी, क्लीन हाइजीन या फिर अवॉइड ग्रीन फोडर फीडिंग. क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? ट्रीटमेंट देना है जी ब्रूसेलियोसिस के लिए, है ना, क्या दिया जाता है, राइट आंसर क्या आएगा? लेकिन कलिंग ऑप्शन नहीं था. अब मंजूर आलम जी आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूं. वैसे तो कलिंग कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, वो तो कहानी खत्म ही कर दी ना आपने उसकी. नहीं था तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं पीडीएफ बाद में ही शेयर करूंगा. मैंने पहले ही बोला कुछ कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज करेक्शन रिक्वायर्ड है, कहीं पे आंसर करेक्शन भी हो सकता है. मैं पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो एकदम से परफेक्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तो आप ही लोगों से फीडबैक लेके सब क्वेश्चन बनाए हैं. यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो कलिंग आएगा, लेकिन आपने बोला कि कलिंग था नहीं ऑप्शन में तो गड़बड़ है. एक बार यस नो लिख दो, पता चल जाएगा क्या कलिंग ऑप्शन के अंदर था. इफ इट वॉज देयर तो हो सकता है नहीं था, यस नो लिखो बस, है ना. हाइजीन एंड एंटीबायोटिक था ऐसा बोल रहे, यस और नो लिखो. कलिंग वॉज देयर, अगर था तो यस लिखो, नहीं था तो नो लिखो. इसको अपने पेंडिंग में डाल देते हैं, मैं चेक कर लूंगा बच्चों से डिस्कस करके, पीडीएफ के अंदर इसे फिर से क्वेश्चन को सही करके डाल देंगे. भाई यस नो, यस नो, देखो आप ही लोगों के सामने आंसर है, अब खुद ही लोग 50-50 चल रहे हैं. यस भी लिखा जा रहा है, नो भी, जबकि यस का रेशियो ज्यादा है, 60-70% यस बोल रहे, 30% नो. आप लोग पेपर में ना पता क्या करते हैं, आप बातें याद रखा कीजिए सर, बातें बहुत सारी करता हूं मैं, और आदत है करना, क्योंकि गाइडेंस ही मेजर पार्ट है. मैं कहता हूं मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो, और ये रिजल्ट है उसका ही. आधे लोग कह रहे हैं था, आधे कह रहे हैं नहीं था. क्यों? क्योंकि हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, पेपर इतना हैवी हो जाता है कि 45 मिनट भी याद नहीं रख पाए. चलो ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन याद करो, बट था कि नहीं रिमाइंड तो होना चाहिए ना, लेकिन हम लोग उसे मतलब हैंडल नहीं कर पाते जिस तरह से, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत सारी नहीं है ना. एक स्पीडी प्रैक्टिस हो हमारे पास और सही से डील कर पाए तो हो सकता है. मैं एक बार के लिए इसको आपके कहने पेंडिंग कर लेता हूं, पीडीएफ के अंदर देख लूंगा, कुछ अगर चेंजेस है तो कर दूंगा. आगे चलता हूं. द ऑर्गेनिज्म विच कैन विदस्टैंड वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज. सैलिनिटी के अगेंस्ट कहता ये क्या कर पाएगा, ये खड़ा हो पाएगा, सहन कर पाएगा, विदस्टैंड कर पाएगा. इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी या फिर ई. इसे क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन या फिर यूरोहेलाइन, ओलिगोहेलाइन या फिर एस्चुराइन या फिर नन ऑफ दीज. यहां पे ऑप्शन के साथ जाएंगे तो राइट आंसर जो आएगा यूरोहेलाइन बी विल बी द राइट आंसर. आगे चलता हूं. कुछ कुछ से मैं डाउट आ रहे होंगे सर ये क्या होता है, बताऊंगा. मैंने प्रॉमिस किया आपको एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सब लोग आंसर चाह रहे हैं. पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा हर क्वेश्चन का जहां जहां रिक्वायर्ड है.
Which among the following is the highest priority brackish water fish having high growth rate and can tolerate fluctuation in the temperature? देखो यहाँ क्या बोला, एक तो इसने बोला कि brackish water, दूसरा इसने बोला कि temperature के अंदर अगर कमी होती है, ज्यादा होता है तो fluctuation को भी सहन कर सकता है। तो क्या लगता है यहाँ पे right answer क्या आएगा? फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी बोला गया था, मान सकते हैं भाई ऐसा हो सकता है। बिकॉज अगर बात करें कि इसकी, बात करें आपके प्रोन की और श्रिम्प की, तो ये रहते तो जनरली किसके अंदर है, आपके मीडियम सलाइन वाटर के अंदर, मतलब ब्रैकिश वाटर के अंदर। लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और ये हाईली सलाइन के अंदर भी हो सकते हैं, बट मीडियम सलाइन ये प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, कोई कह रहा है श्रिम्प था ओनली, हाँ ये वाली बात मुझे पहले ही बच्चे ने बोली थी कि सर दोनों श्रिम्प नहीं थे, ओनली श्रिम्प था, और ओनली श्रिम्प था ना तो ओनली श्रिम्प यहाँ पे आंसर आएगा। सर मिल्क फिश कुछ लोग लिख रहे हैं, मिल्क फिश यहाँ पे आंसर नहीं आना चाहिए। हाँ श्रिम्प के केस में ऐसा होता है, श्रिम्प और प्रोन मैंने दोनों ही बोला, ये मीडियम सैलिनिटी में ग्रो करते हैं, लेकिन सैलिनिटी कम हो जाएगी तब भी ये कर जाएंगे, सैलिनिटी ज्यादा होगी तब भी ये कर जाएंगे। देखिए ना, जो आपका प्रोन और श्रिम्प प्रोडक्शन है ये हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सैलिनिटी डाल रहे हैं पानी के अंदर, जनरेट कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, तो मीडियम सैलिनिटी और फ्लक्चुएशन होगी सैलिनिटी तब भी सर्वाइव करता है, श्रिम्प यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट्स के अंदर ऑप्शन में करेक्शन लिख दीजिएगा, आंसर कंफर्म है श्रिम्प आएगा। लेकिन प्रोन अगर नहीं था तो फिर, और ये दो श्रिम्प भी नहीं थे तो बाकी ऑप्शंस क्या थे वो बताइएगा, सो दैट मैं पीडीएफ में और इसे ठीक कर सकूं। आंसर यहाँ पे श्रिम्प आया, कोई डाउट नहीं, आगे चलता हूं। नेक्स्ट वाला गया, Which of the following is the bacterial infectious disease of fishery? Disintegrating fin, blood on the edge of fins, fin rays become brittle and lead to fin and tail rot. ऐसा बताया बच्चों ने कि क्वेश्चन के एंडिंग जो थी वो फिन एंड टेल रोट से हो रही थी। अगर फिन एंड टेल रोट की बात ना करता तो रेड पेस्ट इसका आंसर आ सकता था, लेकिन आएगा नहीं, क्यों, उसने मेंशन ही कर दिया। सर यहां पे जो आंसर आएगा वो टेल एंड फिन रोट विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला गया, एडियाबेटिक कंडीशन व्हेन मॉइस्ट एयर फ्लोस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आरएच एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन समझने वाला था, आंसर किया जा सकता था। बोला एडियाबेटिक कंडीशन है जब मॉइस्ट एयर फ्लो कर रही है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आरएच एंड टेम्परेचर। तो पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर नन ऑफ दी, जरा सही आंसर आप मुझे बता दो, मैं तो बता ही दूंगा आपको। क्या लगता है आपको, आरएच जो है वो बढ़ के घटेगा या घट के बढ़ेगा, या फिर बढ़ेगा बढ़ेगा या फिर घटेगा घटेगा, क्या लगता है यहां पर आंसर, ए बी सी डी क्या आएगा राइट आंसर? ओके, तो आंसर ए भी लिखा जा रहा है, आंसर बी भी लिखा जा रहा है, आंसर डी भी लिखा जा रहा है, आंसर सी भी लिखा जा रहा है, बस ई नहीं लिख रहे आप लोग। सर यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर डी आ जाएगा, पहले इंक्रीज होगा और बाद में क्या होगा, फिर ये डिक्रीज होगा। आगे चलता हूं, कुछ करेक्शन हो तो प्लीज यहां पे बोलिएगा, करेक्शन कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, जो लैंग्वेज आपने बताई यही आएगा। नेक्स्ट बोला, मेथड ऑफ ड्रेनेज दैट इज यूज इन हाई वॉटर टेबल हिली एरियाज अंडर द सरफेस, सरफेस के अंडर में बोला क्या होगा, ड्रेनेज करेंगे हिली एरिया के अंदर इसे करेंगे, तो कौन सा आएगा, मोल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज, ग्रेविटी आउटलेट, सब सरफेस ड्रेनेज, या फिर ओपन चैनल। मुझे पता है इसमें आपने आंसर क्या किया होगा, इसके अंदर आप सारे लोग या तो आंसर अरे हट जा भाई, इसके अंदर या तो आंसर आप करके आए हैं मोल ड्रेनेज, है ना, या फिर आप आंसर जो करके आए हैं वो क्या करके आए, सब सरफेस। अब जरा ए और डी लिख के मुझे बता दो आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा, ए या फिर डी। देखिए मैं आपको बता दूं, इंडियन कंडीशन में जाएंगे ना ए आपका आंसर सही होता है, लेकिन इंडियन कंडीशन में जाएंगे तो ए आंसर नहीं आएगा। सर मोल ड्रेनेज यहां पे आंसर नहीं कर पाएंगे, जो राइट आंसर यहां पे आएगा वो सब सरफेस ड्रेनेज आएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी आएगा यहां पे सर, ए नहीं आएगा, मोल ड्रेनेज यहां पे नहीं आएगा। हालांकि एनिमेशन के साथ शायद इसमें गलत लग गया है, इग्नोर कीजिएगा सर, ए आंसर नहीं आएगा, इसका जो आंसर होगा इट विल बी सब सरफेस ड्रेनेज, बाकी एक्सप्लेन कर देंगे, चिंता नहीं करें। आगे चलते हैं, है ना, 53 क्वेश्चन मैंने यहां पे बोले, चार क्वेश्चन जो मुझे लैंग्वेज नहीं मिली थी, एक तो था कि स्टेम बोरर का, स्टेम बोरर जो मेज में है उसके सिम्टम क्या होते हैं, आप लिखिएगा मैं क्वेश्चन को डाल दूंगा, बाकी स्टेम बोरर के सिम्टम पूछे गए थे डायरेक्टली। एक शेल्टर बेल्ट्स हेज और वेज ऐसे कुछ क्वेश्चन था, क्या था मेरे पास लैंग्वेज नहीं अभी भी उसकी। एक जो आपका
बोट का आया था, बोट टाइप है ना, उसमें 7 to 10 था या 3 to 5 था ये भी क्लियर नहीं है, तो बोट टाइप पे क्वेश्चन था वो मैंने नहीं डाला। एक एमबी प्लाओ का क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशन बेस पे था, 25 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये चार क्वेश्चन जिनके एग्जैक्ट लैंग्वेज तो नहीं है बट हाँ क्वेश्चन मुझे मिले, 53 मैंने डिस्कस किए, 4 ये वाले थे, बाकी 3 क्वेश्चन हाल फिलहाल लापता चल रहे हैं, आप मुझे बताएंगे तो मैं 60 क्वेश्चन पूरे कर पाऊंगा। बाकी एक मैसेज सब लोगों को देना चाहूंगा, जिन लोगों ने पेपर दिया है कट ऑफ का डिस्कशन प्लीज मत कीजिएगा, कट ऑफ आपको नर्वस करेगी, रिजल्ट आपको नर्वस करेगा। आप भी सब लोग इस टाइम पे जान रहे हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ी सी कमी है और आपको लग रहा है काश थोड़ा और पढ़ लेता तो वो इसी चक्कर में आप नहीं पढ़ा बिकॉज आप प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं मेरे ग्रुप जो स्टूडेंट्स के अंदर एक वीडियो सेंड करूंगा जो मैंने 1 जनवरी को भेजा था कि भाई साहब करिए आप रिजल्ट का वेट करेंगे जो आपको लेट करेगा और बाद में आप रोएंगे, और मैंने 1st डेट से ही 1 जनवरी से ओवरऑल टेस्ट शुरू कर दिए थे, लेकिन बच्चे उतना अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने 15 के बाद अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज आपको लग सकता है। तो अगर वो गलती आपने कर ली है ना, 1-2 नंबर लग रहा है कि कम हो गया सर, तो प्लीज इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा। इंटरव्यू के अंदर लोगों के 16, 17, 18, 18 नंबर भी आए हुए हैं, 2 नंबर अगर पीछे लोगों से रह गए तो अब मौका है लोगों से आगे जाने का। तो ये था मेरी तरफ से। लेखराज नागर जी कहते हैं सब सरफेस ऑप्शन में नहीं था, भाई साहब सब सरफेस ऑप्शन के अंदर था और कंफर्म था, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो अलग बात है कि आपने नहीं किया तो फिर अलग बात है ना, सब सरफेस ऑप्शन में नहीं था। लेखराज जी लिख रहे हैं बार बार, लेखराज जी और तो कोई नहीं, बच्चों सब सरफेस के लिए लिखना एक बार, आप ही लोग हैं पेपर देने वाले, यस और नो लिखना, सब सरफेस ऑप्शन में था यस नहीं था नो एक बार लिखना। लेखराज जी पढ़िएगा, ये बच्चे बता देंगे, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन के अंदर था कि नहीं था, बाकी मेरे हिसाब से था क्योंकि जो जो क्वेश्चन में चेंजेस है ना मैंने खुद बोला कि बच्चे ऐसा बोल रहे थे, तो ये तो आप देख सकते हैं सर, सब सरफेस नहीं था नहीं था नहीं था नहीं था, है ना, नो ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ एक दो यस बोल रहे हैं, ठीक है करेक्ट करेंगे उसे भी, अगर नहीं था तो फिर पॉसिबल है बोल पे जाया जा सकता है अगर सब सरफेस ऑप्शन में ही नहीं है तो। डोंट वरी, अभी ये वाली लाइव वाली चैट तो मैं नहीं देख पाऊंगा, प्लीज नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देख के, और हमारा टाइम तो 12 बजे तक है ही ऑफिस का, तो रात को जाते टाइम या फिर सुबह आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी मैंने पोल्स में क्वेश्चन डाल दिए हैं, 50 क्वेश्चन डाले हैं, बाकी भी सारे के सारे डाल दूंगा, वहां पे आंसर कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे करेक्ट करूंगा और फिर से एक मैसेज दूंगा आने वाले लोगों को जो कर चुके हैं। हमारे अंदर एक ही गलती है, हमारे पास प्लान भी होता है, हमारे पास गोल भी होता है, लेकिन प्लान और गोल के बीच होता है इम्प्लीमेंटेशन, ये हम करते नहीं है। हम लोग अपनी जो संगत है ना, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बदल लेते हैं बस, जिसका जैसा जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो बहुत सारे लोग ग्रुप्स के अंदर है, यहाँ वहां है, ग्रुप्स में पॉजिटिविटी प्रमोट हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि ग्रुप के अंदर 90% लोग आज भी, आप किसी ग्रुप में है क्या डिस्कशन ग्रुप में, वहां पे कट ऑफ की बातें ही चल रही है, वो अलग बात है। मेरे पास जो ग्रुप है ना मेरे पेड स्टूडेंट के, मैं रिमूव कर देता हूँ बच्चे को अगर वो कट ऑफ की बात करे तो, बिकॉज कट ऑफ का मतलब सबसे लोएस्ट का सपना देखना और खुद को डराना, मैं नहीं करता हूँ। ग्रुप के अंदर नेगेटिविटी फ्लो होती है ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया अल्टीमेटली कर ही क्या रहा है उस भारत देश को, जिसके पास इतने सारे युवा है उसको पीछे क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, लोग तो टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, है ना, जो पढ़े लिखे लोग फॉरन चले जा रहे हैं। तो भारत देश का विकास होता होगा जब ये युवा सोशल मीडिया को छोड़ कर अपने प्लान को यूज करके और गोल को अचीव करने के लिए इंप्लीमेंटेशन वाली स्टेज पे आएंगे, तो अपनी संगत को बदलिए, आपकी रंगत अच्छी हो जाएगी। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, आपकी नेक्स्ट वीडियो में, और अब टॉपिक वाइज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तक आईपीएस एएफओ के लिए था, अब भी आईपीएस एएफओ और एमएस एंट्रेंस और स्टेट एग्जाम के लिए रहेगा, लेकिन अब एमसीक्यूज नहीं, अब टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे। तो मिलता हूं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।